हाँ साथियों, आज आप लोगों के समक्ष राजपूत कैसेट के सौजन्य से है। ब्रजेश की आवाज़ में तो आज तक जितने भी आपने प्रोग्राम सुने और आज हमारे छोटे भाई मंजेश के मुखारबिंद से आप लोग होली सुने इस राजपूत कैसेट में, तो आ जाइए दोस्तों। अरे गणपति रखबारे हमारे ओ सदा भरोसो इन चरणन को तुम बिन कौन करे निस्तार गौरी सुत गणपति रखवारे रे हमारे करे निस्तार गौरी सुत गणपति रखवारे रे हमारे करे निस्तार गौरी सुत गणपति रखवारे रे चारि भुजा मुँह से असवारी हाजिर रहे तुम्हारे गदा और तिरसूल बिराजे लंबो उधर दुष्ट हनी डारे गौरी सुत गणपति रखवारे रे नाशक सुखदायक स्वामी बंदो चरण तुम्हारे ओ सदा रहो शिवाजी के संग में भक्तन के दुख तारण हारे गौरी सुत गणपति रखवारे रे सारे ओ मंजेश कुमार कर जोड़ कई तही बिगड़ी तुम्हें बना बना हारे गौरी सुत गणपति रखवारे रे जो सुखया जुया बदपुरई में कहूँ विधि कहो नहीं जाई जन्मे राम घूमरई जाई रे कहो नहीं जाई
घर सखिया मंगल गावे बंदन पार बधाई। ओ द्वारे द्वारे बजे लंगाड़े इंद्रपुरी लखी के शरमाई जनम तार सजाई आरती कर बहु प्रकार अरे मोद बनाई जनम राम घूम रही छाई रे। साचे मन से भजन करे बाको कष्ट नष्ट हुई जाई जन्म राम घूम रही छाई रे। जन्म सफल है गयो मेरो जोत मयाजु अवधपुर आए विश्वामित्र अवधपुर आए रे। अरे अवधपुर आए विश्वामित्र अवधपुर आए रे। अरे अवधपुर आए विश्वामित्र अवधपुर आए रे। तब विश्वामित्र कहियो बानी हरि मांगन हम आए ओ राम लखन मम संग पठाई देव सब कारज हुए मन भाए विश्वामित्र अवधपुर आए रे। स्वामी त्रयवधपुर आए रे।
सो तुलसीदास बजो भगवान निसदिन ध्यान लगाए और राम लखन को पास बुलाए के दशरथ ने ऋषि को सौंपाए विश्वामित्र यवत पुर आए रे ऋषि को सौंपाए विश्वामित्र यवत पुर आए रे आहार ऋषि को सौंपाए विश्वामित्र यवत पुर आए रे आहार ऋषि को सौंपाए विश्वामित्र यवत पुर आए रे पहुँचे जनकपुरी ढिंग जाई शोभा बरना न जाई और आगे तो मुनि नाथ चलत पीछे राम लखन दो भाई पहुँचे जनकपुरी ढिंग जाई रे अरे लखन दो भाई पहुँचे जनकपुरी सरसरी पारे उतर गए तब ही जनकपुरी नियर आई ओ सुंदर सुंदर फूल खिले हैं देखत राम चले हरसाई पहुँचे जनकपुरी ढिंग जाई रे जनकपुरी में जब ही पहुँचे निरखे लोग लुगाई ओ सुनी खबरी जनक राजा ने मंत्र न सहली गए सो आई पहुँचे जनकपुरी ढिंग जाई रे अहले गए सो आई पहुँचे जनकपुरी ढिंग जाई रे पूछे जनक कौन ये बालक लाए संगलिबाई ब्रजेश कुमार लाल की चरण की अब क्यों राखी अरे तेरा लगाई पहुँचे जनकपुरी ढिंग जाई रे पाए और कांधे धनुष केसरिया बना
हर रूप कही त नहीं जाए देखना बाग तुम्हारा दुआए रे हाले कहे त नहीं जाए तुम्हारा चली बाग अपने को गिरजा को मन लाए ओ देखत रूप राम को मोई कही न सकत मन में सकुचाए देखन बाग कुमार दुआए रे पहुंची सिया जाए मंदिर में अति मन माही ल जाए ओ हाथ जोड़ी देखे परिक्रमा गिरजा से प्रिय बचन सुनाए देखन बाग कुमार दुआए रे भवानी बिने हमारी मोलायक बर आए बंसीधर कै सामली सूरत देखे बिना चैन नहीं आए देखन बाग कुमार दुआए रे अरे चैन नहीं आए देखन बाग कुमार दुआए रे साला देखो प्रभु जी चल के कैसी कहो सुनाई ओ लेके संग मुनि को चल दे मकसाला सब दई है दिखाई आए रंग भूमि दो भाई रे अरे
हर से राम लखन दो भ्राता निरखे सुंदर ताई। सबसे ऊंचो मंच बनो है जन कराए तहां गए लिबाई भाई। राजा जनक सरल में ठाड़े ये शोभा मंजे सगाई लाए रंग भूमि दो भाई रे। तजे प्रतिज्ञा धन कंडन की कोई जाए पिते समझावे ताड़ी सबासिया बिलखा मेरे। अरे पिते समझावे ताड़ी सबासिया बिलखा मेरे। अरे पिते समझावे ताड़ी सबासिया बिलखा मेरे। कोमल गात राम लखन न पैक पैसा नहीं जा बैठाड़ी सबासिया बिलखा मेरे। ठुमकी ठुमकी की चले जानकी निपुरा शब्द सुनावे और सब कोई तक सिया की ओरी कामी मल अरे मल के पछता बैठाड़ी सबा सिया बिलखा मेरे। ओ दूनो भारु धनुष को हुई गये लीला मंजे सगावे ताड़ी सबासिया बिलखावे रे।
दमकी रहो तो मन सो घन में नव मंडल घन सो घैराना सबने सुनत अचंबो मानो ये सो धनुष राम ने तानो रे हरे अचंबो मानो ये सो धनुष राम ने तानो रे हरे अचंबो मानो ये सो धनुष राम ने तानो रे हरे अचंबो मानो ये सो धनुष राम ब्रह्मादिक सुर सिद्धि मुनि साजन कसबाहर सानु ब्रजेश कुमार भाई मगन जान की अपनो जन्म सफल कर जानो ए सो धनुष राम ने तानो रे नौ जान के रघुबर तानो छुअत टूटी गौ दुखदाई तब लक्ष्मण कई मुस्काई रे अरे गौ दुखदाई तब ही जैसे जो दा तुम हो भारी सो हमने लख पाई ओ अपनी करत प्रशंसाया पहने कौलाज रही नहीं आई फिर लक्ष्मण कई मुस्काई रे गई
बहुत पुरानो धनुषो हतो ये नाहक प्रीति बढ़ाई यही धनुष जो तुमको चाहे तो हम तुम्हें देव जुड़ा भाई लक्ष्मण बात कही मुस्क्याई रे बात कही मुस्क्याई रे अरे दे जुड़ा भाई लक्ष्मण बात कही मुस्क्याई रे श्री हरिनाथ भजो रामचंद्र छवि पाप नष्ट हुई जाई ओ हसी देखी के लखन लाल की भृगुपति को गुस्सा बड़ी आई लक्ष्मण बात कही मुस्क्याई रे गुस्सा बड़ी आई लक्ष्मण बात कही मुस्क्याई रे अरे गुस्सा बड़ी आई लक्ष्मण बात कही मुस्क्याई रे गुस्सा बड़ी आई लक्ष्मण बात कही मुस्क्याई रे अरे बचन कठोरा मति बोले लाला बचन कठोरा रे देखो बचन कठोरा मति बोले लाला बचन कठोरा रे भृगुनंदन सुनि दशरथ के छोरा और इक्कीस बार भूमि हम जीती छत्री मारे मारे सिर फोरा मति बोले लाला वचन कठोरा रे अरे मारे सिर फोरा मति बोले लाला वचन कठोरा रे राजा हम पकड़ी बुलाए अगन कुंड मुख बोरा ओ मारी मही मडारी धरनी पे छीन लई भूमि पर जोरा मति बोले लाला वचन कठोरा रे अरे भूमि पर जोरा मति बोले लाला वचन कठोरा रे वचन कठोरा रे हरे भूमि पर जो रामति बोले लाला वचन कठोरा रे अरे पिता तुम्हारे दशरथ कहिए बांधी लए जस चोरा ओ हाथ जोड़ी सम्मुख बैठाड़े बहुतन भांति अब करिए निहोरा मति बोले लाला वचन कठोरा रे हाँ देखो करे निहोरा मति बोले लाला वचन कठोरा रे आहार देखो करे निहोरा मति बोले लाला वचन कठोरा रे हाँ देखो करे निहोरा मति बोले लाला वचन कठोरा रे दीन जाने लक्ष्मण तोई छोड़ू सुनो बचन ये मोरा सु तुलसीदास भजो भगवान इस जग में जीवन है थोरा मति बोले लाला वचन कठोरा रे जीवन है थोरा मति बोले लाला वचन
कनक बदन तन सुंदर सो है भीतर भरो चेहर को गोटा रख पर तोर बंधु है गोटा रे ठाड़ो बदन दिखावे हमको गाल फुलावे मोटा और अब समझाई दे तुम जाको नहीं तो सिर पे अरे करूंगो छोटा रघुबर तोर बंधु है खोटा रे अरे पर वो छोटा रघुबर तोर बंधु है खोटा रे बहुत क्षमाया व हमने की नी जान सुगर ये डोटा और अब की जवाब दे तखन मारो काट ले गए सिर जीऊ लोटा रख पर तोर बंधु है कोटा रे सीदास भजो भगवान जन बचन कहे हैं खोटा ओ परशुराम सो कहित राम बैगी करो आखिन से ओटा रघुबर तोर बंधु है खोटा रे आखिन से ओटा रघुबर तोर बंधु है महाराज क्यों रोस बढ़ाए रहे क्रोध रहे दरसाई और हिया कुमेड़े की बतिया नहीं जो तर जनी देख डरी जाई फिर लक्ष्मण कहीं गाल फुलाई रे देख डरी जाई फिर लक्ष्मण कहीं गाल फुलाई रे को देव भजाई ओ चौदे भुवन को पिकरिया बिठाने तय अब से लड़ाई फिर लक्ष्मण कहे गाल फुलाई रे अब से लड़ाई श्री लक्ष्मण कहे गाल फुलाई रे आई
कर सम्मुख हुई के लड़ी बे को आवे तो कालव को देऊ भगाई। ओ बलवान जबाई ले तुम मेरो कितने उसूर ले बुलाबाई फिर लक्ष्मण कहीं गाल बुलाई रे मंजे सकुमार कई परशुराम ने तब अपनो परसालो भाई फिर लक्ष्मण कई गाल बुलाई रे परसालो भाई श्री लक्ष्मण कई गाल बुलाई रे आहार कई गाल बुलाई फिर लक्ष्मण कई गाल बुलाई रे
हाँ दोस्तों, अभी तक आप हमारे छोटे भाई मंजेश के मुखारबिंद से जो होली सुन रहे थे, भगवान श्री राम का जब विवाह हुआ और परशुराम से विवाद हुआ, उसके बाद में सीता जी के साथ विवाह करने के बाद भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सीता को साथ लेकर के जनकपुर से अयोध्या के लिए जब चले आते हैं, अरे अवधपुर आई सीता मात, अवधपुर आई रे, 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 अरे सीता मात अवधपुर आई, खुश घर तीनों माई, और जुर मिल नारी अवधपुरी की पहुंची तुरत, अरे भूप घर जाई सीता मात अवधपुर आई रे, अरे भूप घर जाई सीता मात अवधपुर आई रे, अरे अवधपुर आई सीता मात अवधपुर आई रे, अब बहु धन धान लुटाई भूपने बाजत द्वार बधाई, और गली गली में नरम बिछोना दीने सुघर, अरे नगर सजवाई सीता मात अवधपुर आई रे, 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 और बंदन बारी लागी न्यारी शोभा कहीं न जाई, और लगत महा की दिव जजा दिना मात जानकी, ससुरार में आई सीता मात अवधपुर आई रे, 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 अब राम लखन और भरत शत्रुघ्न खुशी है चारों भाई, सो तीनों रानी बड़ी सिहानी घर में मगन, अरे भूप बलदाई सीता मात अवधपुर आई रे, अरे भूप बलदाई सीता मात अवधपुर आई रे, अरे अवधपुर आई सीता मात अवधपुर आई रे, अरे अवधपुर आई सीता मात अवधपुर आई रे, अब तुलसीदास भजो भगवान हर चरण चितलाई, आई बधू चारि दशरथ घर रहे ब्रजेश, खुशी मनाई सीता मात अवधपुर आई रे, सीता मात अवधपुर आई रे, अरे अवधपुर आई सीता मात अवधपुर आई रे,
जिस समय सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुत कीर्ति ये चारों वधुएं घर में आ जाती हैं, तो शादी होने के 11 साल के बाद में भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में चले गए। उसके 1 साल 3 महीना बाद यानी राम के विवाह के 12 साल 3 महीना बाद राम के राजतिलक की जब तैयारियां हुई, तब कि मंथराई करके वो समंथराई रे, अरे मंथराई करके वो समंथराई रे, मंथराई करके वो समंथराई रे, अरे मंथराई करके वो समंथराई रे, अरे करके वो समंथराई लीनी लट छुटकाई और देरन की नी चली है दासी महलन बीच, अरे पहुंची गई जाई करके रो समंथराई रे, अरे पहुंची गई जाई करके रो समंथराई रे, अरे पहुंची गई जाई करके रो समंथराई रे, मंथरा जिस समय आंगन में पहुंची उसी समय तो कई के हंस के बोली है कौन मुसीबत आई और काहे चढ़ी उदासी दासी साफ साफ, अरे देवर समझाई करके रो समंथराई रे, अरे देव समझाई करके रो समंथराई रे, अरे देव समझाई करके
इस समय कैकेयी की दासी मंथरा और कैकेयी से कहने लगी, उसी समय कैकेयी बोली, अरे क्यों बात बनावे ओ दासी, क्यों बात बनावे रे, अरे क्यों बात बनावे ओ दासी, क्यों बात बनावे रे, क्यों बात बनावे ओ दासी, क्यों बात बनावे रे, वो मामा श्री कृष्ण। अरे ओ दासी क्यों बात बनावे, तो लेकर शरम नहीं आवे, और एक समान है राम भरत, क्यों बीच में तू, अरे दीवाल बनावे ओ दासी।